तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि दोस्तों अभी मैं आया था यहाँ पर, और राम बाबा यहाँ पर बाजार लगती है, मंगल को बाजार लगता है, और यहाँ पर आया था मैं ब्लॉग शूट करने के लिए। और दिखाता हूँ ब्लॉग शूट करके यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही अच्छा अच्छा नज़ारा यहाँ पर है यार। चप्पल की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें लगती हैं, सब्जी की दुकानें लगती हैं, चाट वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगता है। दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर ब्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का जो है मार्केट, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मार्केट लगी हुई है, और यहाँ पर हरी सब्जी पूरी एकदम घर की खेती हुई है, और यहाँ पर सभी लोग अपने घर से पैदावार करके यहाँ से लाते हैं। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की मार्केट, ठीक है। और दोस्तों आ गया हूँ मार्केट में, देख लो सब्जी की दुकान लगी है, चाट की दुकान लगी है, देखो टमाटर 10 रुपये किलो, कुछ लेना है राजा, देखो घर का लहसुन ताजा लहसुन है कितने रुपए किलो भैया, घर का यार ताजा है, ओका पते चल गया। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, सब्जी वाली चीज़ें जितनी भी दिख रही हैं, आप लोगों की यहाँ पर खुद की खेती है यहाँ पर सबकी, और सभी लोग अपने घर पे इसकी पैदावार करते हैं और यहाँ पर लाते हैं बेचते हैं। खीरा 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 ये मिर्चा देखो इतना छोटा है, ये बहुत खतरनाक मिर्चा है, खा लो पागल हो जाओ। चाचा सही बोल रहे ना बहुत ही अच्छी मार्केट है यार, एक नंबर की मार्केट है यार, सब्जी वब्जी के लिए बहुत ही अच्छी मार्केट है यहाँ पे, देख लो ये घर का है, घर का खीरा है। हाँ अच्छा, ये आधा ज्यादा लगे सब घर की खेती है, खाली मिर्चा और चल ना बाहर से लेके अंदर, बहुत भीड़ है यार यहाँ पर। सिर्फ एक दिन मंडी लगती है, मंगलवार को मट्टी लगती है यहाँ पर बस। किसान भाई की दुकान है देखो, तीन सौ का दो, 50 का जोड़ी, 100 का दो, 50 का जोड़ी चप्पल भाई। फाइनली आ गया हूँ अपने चौराहे पे, राम बाबा से घूम के आ गया हूँ, अब आ गया हूँ अपने चौराहे। कोई खास मंडी थी नहीं, गया था जिस टारगेट से मैं गया था उस टारगेट को मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि सुनने में आया था वहाँ पर मेला लगता है, और वहाँ पर मैं गया था पब्लिक रिएक्शन वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन ओ हो नहीं पाया, तो थोड़ी सी वीडियो वहाँ का शूट करके फिर से आ गया हूँ अपने चौराहे की तरफ। ये देखो हमारे राजा भाई, लंगड़ा लंगड़ा आदमी आज मंगलवार है इसलिए मंडी पूरी तरीके से एकदम शांत है। वहाँ पर मंगलवार को एकदम तबाही भैया, एकदम भीड़ लगी है।
यहाँ पर देख लो भैया, चला जाओ घर। का है टेगना कहाँ पर है? इतना पीला कैसे होगा? नहीं यार इतना पीला तो नहीं होता। का बे छेद दिए ना कालिया भाई, मार डर गए। टेगना हो उतने बढ़िया होते हैं। आज की जान उठाएगा इनके अब्बू। देखिए अब मंगलवार की वजह से यहाँ पे पूरे मंडी में सन्नाटा। देखो ये मट्टी जो डाले ना राजा, ये भी पेड़ देखो सूख रहा है। देखो मट्टी बहुत नुकसानदेह है। पूरा वाला पेड़ देखो, ये वाला पेड़ देखो, ये वाला पेड़ देखो। फाइनली दोस्तों ब्लॉग शूट करके आ गया हूँ घर पे। गया था पहले राम बाबा, वहाँ से फिर आया अपने मिझौड़ा चौराहे पे, वहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया हूँ। अब वक्त हो गया है रोज़ा खोलने का, बज रहा है 6:20 हो गए हैं। बस 5 से 8 मिनट और बाकी हैं रोज़ा खोलने में। बस रोज़ा खोलना है, उसके बाद नमाज़ पढ़ के पढ़ने जाना है। और गांव में आज सुबह 3:30 के करीब हमारे गांव में जो कोटेदार थे इंकिशार अहमद का, उनका इंतकाल हो गया है। अभी 7 उनकी मिट्टी है, अभी जाता हूँ उनकी मिट्टी देने। ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में। रोज़ा खोलते हैं फिर जाता हूँ मिट्टी देने के लिए। ठीक है दोस्तों, फाइनली दोस्तों मिट्टी दे दिया हूँ और ईशा की नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ। आज मेरे गांव में मेरी मस्जिद में तरावी पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई है। आज तरावी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब 3-4 रोज़े जो बचे हुए हैं उसमें छोटी तरावी पढ़ी जाएगी, बाकी की जो बड़ी तरावी होती है पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। तो बस आज के अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और जो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन लोगों से खास गुजारिश है कि और लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।